दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आम जीवन में हम, आप और दुनिया में सारे के सारे लोग कभी ना कभी हम बसेस में यात्रा करते हैं और हम देखते हैं कि एक से एक बस आजकल आने लगी है मार्केट के अंदर। एक से एक लग्जरी सुविधाओं वाली बसें आती हैं। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि इन बसों को कैसे बनाया जाता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बस निर्माण की पूरी कहानी। दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बसों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों कि किसी भी कंपनी की बस हम जब बनवाना चाहते हैं तो उस कंपनी का हम चेसिस वहाँ से परचेज करते हैं उस कंपनी के द्वारा, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, टाटा हो, आइशर हो या महिंद्रा हो या और भी किसी कंपनी का हम चेसिस परचेज करते हैं। अब दोस्तों हमें उस चेसिस के ऊपर किस तरह की बस का निर्माण करवाना है, हमें स्लीपर बस बनाना है या सीटिंग बस बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर हम जाते हैं किसी बस बॉडी मैन्युफैक्चरर के पास में। आपको हम आज इंदौर के फेमस बस बॉडी मैन्युफैक्चरर बाजार, यानी कि ये जो इंदौर में है भमौरी एक मार्केट है जहाँ पर कि बस बॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे आज मैं आपको लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों बस बॉडी बनाने में किस किस चरणों में गुजरना पड़ता है, कितने लोगों की इसके अंदर मेहनत होती है। सबसे पहले उसका एक खाका तैयार किया जाता है कि हमें बस के अंदर क्या क्या किस प्रकार की सुविधाएँ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में पेंटिंग का काम होता है जिसके अंदर तमाम तरह की पुट्टी और कई तरह के लेयर लगा करके बस की बॉडी को खूबसूरत बनाया जाता है। काफ़ी लोग मिलकर के एक साथ में काम करते हैं। यहाँ पे बस की बॉडी के डिज़ाइन से लेकर के उसके कलर, उसके ग्राफिक्स, हर तरह का काम मैनुअल सारा का सारा यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तब जा कर के एक खूबसूरत बस हमारे सामने रोड पे चलती हुई हमें दिखाई देती है और हम उन बसेज के अंदर तमाम सारे एयर कंडीशन, टेलीविज़न स्क्रीन और मोबाइल से चलने वाले तमाम प्रकार के गेम्स और बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह का सबसे पहले ढांचा होता है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये भाई कोई कबाड़खाना है। ये कबाड़खाना नहीं है दोस्तों, ये बस निर्माण की पहली सीढ़ी होती है जहाँ पर कि एक खाका तैयार करके हमें उसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है फ्रेमिंग्स के द्वारा, जहाँ पर वेल्डर का काम होता है, फिटर का काम होता है, सीट मेटल का काम होता है और तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में ही एक बस निकल करके आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये जो रिव्यू है आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि बस की बॉडी इस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों एक से एक बसें जो होती हैं उसके अंदर मजबूती का ख्याल रखने के लिए इंजीनियर्स की टीम भी इसके अंदर होती है, जो कि बॉडी की पूरे पैरामीटर्स, उसके साइज और उसकी पेलोड जो कैपेसिटी है, यानी कि उस बस के अंदर कितना पेलोड रहेगा, उन सारी चीज़ों को हर पैमाने पर जाँच परख के और उच्चतम क्वालिटी के जो फ्रेमिंग है उसका यूज करके उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, क्योंकि आखिर में पैसेंजर्स की ज़िंदगी का सवाल एक बस की बॉडी मजबूत होगी उसी पर निर्भर करता है। दोस्तों गाड़ी की परफॉर्मेंस और गाड़ी का जो इंजन जो है वो तो है ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़, लेकिन जो बस की बॉडी है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसमें काफ़ी विशेष ध्यान रखा जाता है। इंदौर के अंदर बस मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, ये भमौरी एक एरिया है, बाजार है, जहाँ पर तमाम प्रकार की बसें बनाई जाती हैं। एक से एक लग्जरीज बसें आपके बजट के अनुसार यहाँ पर बना दी जाती हैं। मैंने जानकारी ली थी कि यहाँ पर 15 लाख से लेकर के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बस के अंदर किस तरह की मटेरियल का यूज करवाना चाहते हैं, किस तरह की सुविधाओं का आप यूज करवाना चाहते हैं। जैसे कि बस के अंदर आपको जो बॉडी है वो तो मेन रहती है, लेकिन आप किस तरह की सीट्स का उस बसेस के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरह के ग्राफिक्स आपको लेने हैं, किस तरह का एयर कंडीशन सिस्टम आपको उसके अंदर लेना है, वाईफाई लेना है, LCD स्क्रीन्स लेनी है, इन सब चीज़ों के कारण आपका बजट बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में आपका पूरा का पूरा जो है बस कुछ इस प्रकार का निकल करके आपके सामने आता है, जहाँ पर आपको लाइट्स से लेकर के बस के कंफर्ट, सस्पेंशन, हर चीज़ के बारे में पूरी की पूरी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी यात्रा थी, एक छोटा सा रिव्यू था, मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में जानकारी दूँ कि बसों का निर्माण कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी मिले कि बसों का निर्माण कैसे किया जाता है। और दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो मैं बनाता हूँ पर डे अपने चैनल के ऊपर। आप आइशर, महिंद्रा, टाटा, तमाम तरह की कंपनीज़ के रिव्यू आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं।
और पहली बार दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उषा की किरण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये जो बस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो इस तरह की बसेस निर्माण की पूरी प्रक्रिया होती है जिसके बारे में मैंने आपको एक छोटे से रिव्यू के अंदर जानकारी देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा उषा की किरण मेरे चैनल पर, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ क्वेरी और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।